नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है और इसमें अंग्रेजी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए उनको देख लेते हैं। आइए पहले फिल इन द ब्लैंक को देखते हैं। राम इज सिटिंग राधा एंड सपना, यहाँ पर बिटवीन और अमंग दिया गया है। तो देखिए, पहले हम अमंग पर विचार करते हैं। अमंग बहुत के बीच के लिए प्रयोग होता है, लेकिन प्रश्न को पता पढ़ने पर पता चलता है कि राम राधा और सपना के बीच बैठा हुआ है, इसलिए इन दो के बीच के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर अमंग नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। देखिए, मून जो है, जो भी वर्ल्ड के अंदर यूनिक चीज़ होती है, अद्वितीय चीज़ होती है, जो अपने आप में एक होती है, उन चीज़ों के लिए हमेशा हमने नियम पढ़ा है कि उनके लिए जो आर्टिकल लगता है वो द लगता है। मून है, अर्थ है, सन है, हिमालय है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, द, द सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मंडे कम्स संडे। देखिए इसमें क्या है, मंडे कम संडे, तो अब बिफोर या आफ्टर, तो मंडे जो है वो संडे के बाद में आता है और संडे के बाद में आता है, इसलिए आफ्टर लगेगा। क्वेश्चन नंबर फोर, वी ओबे अवर टीचर। तो टीचर के आदेश का पालन करना हमारा नैतिक दायित्व है और नैतिक दायित्व को इंडिकेट करने के लिए आर टू का प्रयोग करते हैं, तो वी आर टू ओबे अवर टीचर। नेक्स्ट है, द बुक इज द टेबल। तो द बुक इज ऑन द टेबल या अपॉन द टेबल, तो देखिए ऑन द टेबल सही है क्योंकि टेबल स्थिर है। यदि टेबल गतिमान होती, गतिमान वस्तु के लिए हम जनरली अपॉन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ऑन सुटेबल है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आई हैव रीड बुक्स, मैं मच, वैसे मैं गलत है, ये मैनी है, मैनी, यहाँ मैनी आएगा। तो देखिए मैनी और मच में से आपको करना है, आई हैव, क्योंकि मैंने जो होता है वो काउंटेबल का लगता है, बुक कैसी है, काउंटेबल, काउंटेबल गिनी जा सकने वाली चीज़, और मच लगता है अनकाउंटेबल के साथ में, जिन चीज़ों को गिना नहीं सकता, जैसे दूध है, चाय है, तेल है ना, इस तरह से जो गिन नहीं सकते, तो उनके साथ मच आता है, तो यहाँ क्या आएगा, मैनी आएगा। लिस्ट में चूँकि बुक्स को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, फिजिक्स नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो इसमें इज और आर में से लगाना है, तो फिजिक्स क्या एक विषय है, जैसे मैथमेटिक्स में एस आता है, जैसे फिजिक्स में एस आया है, पर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है और एक वस्तु है, एक विषय की ओर इंडिकेट करता है, बहुवचन के लिए एस नहीं है, इसलिए यहाँ पर इज हेल्पिंग और लगाएंगे, फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर एट, सी एन एप्पल डेली। तो देखिए सी जो यहाँ पर जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए सी के साथ क्या लगेगा, एस, सी इट्स एन एप्पल डेली। नेक्स्ट है, द चेयर वाज बाय द स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो सेंटेंस देखने पर चल रहा है, बाय द स्टूडेंट, बाय द राम, बाय द श्याम, इस तरह के जो वाक्य जहाँ आते हैं वो पैसिव वॉइस होते हैं और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए इसमें ब्रोकर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हर होमवर्क डेली। तो देखिए जहाँ डेली आ जाता है, जैसे कि ऊपर वाक्य में डेली आया था, तो डेली क्या है, एक रूटीन, रूटीन वाले सेंटेंस में इस तरह का आता है, तो जो रूटीन वाले वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट के होते हैं और प्रेजेंट में ही सी टू नेम का साथ डज लगता है, तो यहाँ पर क्या होगा, सी डज हर होमवर्क डेली। वैसे यहाँ डज क्या है, मेन वर्ब है, तो इस तरह से इसमें डज आता है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तथा आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।